भोपाल में अशोका गार्डन के थाने के अंदर बने हनुमान मंदिर में भाजपा कार्यकर्ताओं के सुंदर कांड पाठ करने पर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और अन्य नेता शुक्रवार को टीआई हेमंत श्रीवास्तव की शिकायत करने पीएचक्यू पहुंचे। उन्होंने पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र से टीआई को सस्पेंड करने की मांग की। होटल द ग्रैंड पैलेस, इंडोर डोरमेट्री हॉल, बैंक्वेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, पता है साई वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर। पटवारी ने कहा कि दो दिन में कार्रवाई नहीं होगी तो कांग्रेस कार्यकर्ता भी थाने में सुंदर कांड का पाठ करेंगे, हर धर्म का त्योहार मनाएंगे, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर ने टीआई को कारण बताओ नोटिस दिया है। टीआई के जवाब मिलने के बाद आगे कार्रवाई होगी। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के साथ प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री दीपक जोशी, मुकेश नायक और पीसी शर्मा शुक्रवार को पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र से मिले। कांग्रेस नेताओं ने गुरुवार को अशोका गार्डन थाने में हुए पूरे घटनाक्रम और टीआई हेमंत श्रीवास्तव की भूमिका की शिकायत की। दिग्विजय सिंह ने सरकारी कर्मचारी के सर्विस रूल्स के बारे में बताया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला दिया। पुलिस कमिश्नर से मुलाकात के बाद जीतू पटवारी ने कहा, जैसे थाने के अंदर भाजपा नेताओं को सुंदरकांड की अनुमति मिली है, वैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी सुंदरकांड पाठ करने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव का पहला मुद्दा ही संविधान की रक्षा का था। सर्विस बुक का रूल तोड़ना कर्मचारियों ने अपना शौक बना लिया है। पटवारी ने कहा कि अशोका गार्डन थाने में कल जो हुआ वो मैसेज है कि जो सर्विस बुक की शपथ की अवहेलना हुई है, अब तक टीआई को सस्पेंड कर देना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि या तो आप सर्विस बुक का पालन करो या कांग्रेस पार्टी को अपनी निजी आयोजनों के लिए अनुमति दो। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत अन्य नेताओं ने पीएचक्यू में पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र से मिलकर टीआई की शिकायत की। शांत रहो तो बोले। पूरे देश में बहस है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। लोकतंत्र की रक्षा करना है, संविधान की रक्षा करना है। ये लोकसभा के चुनाव में पूरी ताकत से विपक्ष ने अपनी बात कही और लोगों ने उसको जन समर्थन दिया। मध्य प्रदेश में सर्विस बुक का की अवहेलना करना एक आए हो, पुलिस अधिकारी हो, कर्मचारी हो, प्रशासन का कोई कलेक्टर हो या कोई जिला प्रशासन या प्रदेश की सरकार का कोई भी अधिकारी हो, सब उसका कैसे उल्लंघन करता है रोज हम देखते हैं। अभी थानों में निजी आयोजन की अनुमति देना और फिर भी टीआई पर कोई कार्रवाई नहीं करना संबंधित अधिकारियों, ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि सर्विस बुक का हम पालन नहीं करेंगे, हम बीजेपी की पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। जैसा आज की घटना को लेकर हमने कहा है, कांग्रेस पार्टी ने अनुरोध किया, या तो सर्विस बुक का आप पालन करो, जिसने गड़बड़ी करी उस अधिकारी के साथ जो भी प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए वो हो, या फिर कांग्रेस पार्टी को भी निजी आयोजन करने का, सुंदर कांड करने का पूरे भोपाल में अनुमति मिले। हमने उनसे अनुरोध करा है कि सारे थानों में हमें अनुमति दें इस बात की कि हम भी अपना आयोजन करें और सुंदर कांड करें। हमारी जो भी निजी आयोजन की भावना उसका स्वरूप बताएं, या फिर आप सर्विस बुक का पालन करते हुए संबंधित अधिकारी को सस्पेंड करें। होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डीलक्स रूम, फील द कम्फर्ट, इंडोर डोरमेट्री हॉल, बैंक्वेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विशाल पार्किंग एरिया, स्वादिष्ट खाने का आनंद लीजिए प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस, साई वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।